नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। बहुत दिनों के बाद बातचीत का मौका बन पाया है और एक वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसको बनाने के पीछे मेरे दरअसल तीन मकसद है। एक मकसद तो ये है कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल जरूर हो गया है। फरवरी के महीने में ऑटो एक्सपो भी था और बाकी भी मसरूफियत ऐसी हो गई थी कि वीडियो बनाने की सोचता रहा लेकिन वीडियो बन नहीं पाया और कुछ बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई। थैंक यू इस वजह से, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा था बिहाइंड द कैमरा टाइप का, जो भी माहौल बना रहा था या कहानी बना रहा था, उन सब को लेकर मैं बस ये सोच रहा था कि जो थोड़ी बहुत चीजें जो अपने कहानी में हम नहीं बता पाते अपने शो में, वो सब इसके जरिए बता पाऊं, एक ट्रेलर टाइप का दिखा पाऊं। और मैं ऑनेस्टली ये नहीं सोच रहा था कि लोग देखेंगे या आप लोग इसमें कुछ एंगेज करेंगे, और मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था। आप लोग फिर भी देख रहे हैं और बहुत से लोग, बहुत अच्छा इंट्रैक्शन भी हमारा इस मीडियम में भी हो रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया। और तीसरी वजह, एक पुराने वीडियो को लेकर जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उसको लेकर मैं सोचा था थोड़ी सी बात की जाए। दरअसल आपको याद होगा शायद, ओला उबर के ड्राइवर्स को अपील करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके ड्राइविंग स्टाइल को लेकर कुछ एक तब्दीलियां करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, और उसको लेकर बड़े सारे रिएक्शंस आए, अच्छे रिएक्शंस आए, कुछ तो बहुत ही अच्छे रिएक्शन आए, इतने अच्छे कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी जिसके लिए दरअसल यूट्यूब नामी या बदनाम कहेंगे, उससे की लैंग्वेज में बड़े सारे आए। पता नहीं वो गुस्सा क्यों था मेरे उस वीडियो के ऊपर। ये मैं जरूर कहूंगा कि उस वीडियो में जो भी मैंने अपील की थी वो उसके ऊपर अभी भी मैं कायम हूं। ऐसा नहीं कि मैं उन अपील्स को गलत मानता हूं या मुझे लग रहा है कि वो अपील जो है वो मैंने सही नहीं किया, और माफी मांगने के लिए नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल मैंने जैसे कहा कि हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि वो आमतौर पर हिंदुस्तानी ड्राइवर्स की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इस तरह के ही ड्राइविंग स्टाइल को अपना रहे हैं, चाहे वो दाहिने यानी स्पीड लेन में बिल्कुल धीमे गाड़ी चलाना हो, हाई बीम पे हमेशा गाड़ी चलाना हो, इवन कॉलोनी में रेजिडेंशियल एरियाज में हाई बीम के ऊपर गाड़ी चलानी, ये सब समस्या आम ड्राइवरों के साथ भी है। बस सफाई में ये दे रहा था कि वो वीडियो जो मैं बना रहा था उसमें मैं आम ड्राइवरों का भी हिस्सा शूट किया था। मैंने कार के डैशबोर्ड पर कैमरा फिट करके आम ड्राइवरों का वीडियो भी जिसे कहते हैं रोल किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ वो वीडियो गायब हो गया। फिर जो वीडियो बचा था बाद में मैंने वही उस वीडियो में या उस वाले पोस्ट में डाल दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मैं अपील कर रहा था ओला उबर ड्राइवर से या कैब ड्राइवर से, उस अपील को मैं बदल रहा हूँ। अपील तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि एक बड़ी संख्या में ऐसे ड्राइवर्स उस पूरे लॉट में हैं जो जिनकी ड्राइविंग स्टाइल जो इस तरह से ड्राइव करते हैं, जो मुझे लगता है कि कई मामले में असुरक्षित होता है, बहुत न सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकियों के लिए भी। लेकिन साथ में ये भी जोड़ूंगा कि आम जो ड्राइवर है हिंदुस्तानी, उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। आम जो दिल्ली एनसीआर में भी क्या बताऊं, बिल्कुल एक महामारी टाइप की है। सारे लोग धीमी रफ्तार में, पता नहीं क्यों, राइट वाले लेन में चलते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दे टॉकिंग ओवर द फोन, एक हाथ में फोन है, एक हाथ से स्टीयरिंग है, और गियर शिफ्ट जाहिर सी बात है आप तभी बदलोगे जब आप फोन काटोगे या बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए आप गियर शिफ्ट करोगे, इस तरह की स्थिति रहती है। तो ये समस्या सब में है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस वक्त जो हिस्सा बचा था वही मैंने पोस्ट कर दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उसके बारे में बात की जाए। अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर वो बदल दी जाए तो फिर बेहतर स्थिति हो सकती है। थोड़ी इसी हम लोगों की भी सरदर्दी कम होगी। हम और कि बहुत सारे रिएक्शंस जो थे वो ऐसे थे जो मैंने देखे, जिसके लिए हम लोग बदनाम हैं, यानी एक्सक्यूज देने के लिए। बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो शायद ओला उबर चलाते हैं या फिर उनके पास ओला उबर की गाड़ी है या पता नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ जेन्युइन से पॉइंट्स अपने रेज किए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चीजें वो ऐसी हैं जो आम हिंदुस्तानी ड्राइवर वैसे भी एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करता है, चाहे वो थकान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पता नहीं जो भी, या सवारियों के द्वारा दिया गया प्रेशर हो, जो भी हो आप वजह यूज कर रहे हैं। ये सब जो एक्सक्यूजेज हैं तब तक चलती रहती है जब तक कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसे में सुरक्षा का ध्यान तो हम सबको रखना खुद ही पड़ता है। और जो पॉइंट्स मैं दरअसल बोल रहा था वो सुरक्षा से ज्यादा एक तरह से दूसरों के बारे में सोचने के लिए भी था, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए माहौल खराब कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। तो उस वीडियो के ऊपर जो सरप्राइजिंग कॉमेंट्स थे मैंने सोचा उसके बारे में बातचीत की जाए, और
साथ में ये भी कह सकते कोशिश की और ज्यादा रेगुलरली इस तरह की बातचीत किसी न किसी मुद्दे पर अपन लोग करते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय तथा बाय।